दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप स्क्रिप्ट किस तरीके से लिख सकते हैं प्रोफेशनल लेवल की। एक प्रोफेशनल लेवल की स्क्रिप्ट कौन सी होती है? प्रोफेशनल लेवल की स्क्रिप्ट वो होती है जिससे कि आपकी वीडियो में जान आ जाए, आपकी वीडियो छोड़कर ऑडियंस जा ना पाए। एक बार आपकी वीडियो पर ऑडियंस क्लिक कर दे तो वीडियो छोड़कर ना जा पाए, एंड तक आपकी वीडियो देखे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, साथ में आपके फॉलोअर्स भी बढ़ाए, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाए। इसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्क्रिप्ट फॉर मोटिवेशनल वीडियोस। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है अगर आप प्रोफेशनल लेवल की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं अपनी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। so, वीडियो में बने रहना एंड तक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। चलिए शुरू करते हैं। So, दोस्तों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग में पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है, मेन मेन पॉइंट लिख रखे हैं, एक एक बात नहीं लिख रखी है बट लिख रखी है, क्योंकि मुझे पता है स्क्रिप्ट की क्या पावर होती है। तो सबसे पहले आपको मोटिवेशनल वीडियो को स्टार्टिंग में क्या बोलना है, आपको स्टार्टिंग में एक पेन पॉइंट पकड़ना है, कोई ऐसा पॉइंट पकड़ना है जिससे कि ऑडियंस को दर्द हो रहा हो। कहने का मतलब है ऑडियंस उससे परेशान हो रही हो, ऑडियंस को दिक्कत हो रही हो। इट्स जस्ट लाइक सुबह 4 बजे लोगों पर नहीं उठा जाता है तो वो उनका एक पेन पॉइंट है, वो सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसे में वो उनका दर्द है, चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन अगर आप अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर सकते हैं तो ऐसे में आपकी वीडियो वो लोग जरूर देखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको कैसे उनको पकड़ के रखना है ताकि वीडियो छोड़कर आपकी ना जाए। सबसे पहले चीज़ जो उनका पेन पॉइंट है उसको आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में पुटअप करना है। इट्स जस्ट लाइक क्या आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन में आप पुटअप कर सकते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लोग सोचेंगे हाँ ऐसा तो होता है मेरे साथ, नहीं मिलते रिजल्ट। वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ेगा, एंड तक वीडियो देखेंगे लोग। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके नुकसान बताने हैं आपको, जो आपने पेन पॉइंट अभी आपने उनसे पूछा क्वेश्चन के फॉर्मेट में, उससे क्या उनको नुकसान हो सकता है फाइनेंशियल, इमोशनल, पर्सनल लेवल पे, वो आपको डिस्कस करना है। इट्स जस्ट लाइक अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते, ऐसे में आपकी आधी जिंदगी सोते सोते निकल जाएगी, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। अगर प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे तो ऐसे में आप पैसे भी ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, आपको अभी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। उसको नुकसान बता दिया, उसको फाइनेंसिस भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया, पैसा साथ में, जिंदगी अच्छी नहीं हो पाएगी वो भी इन्वॉल्व कर दिया। इससे क्या होगा, ऑडियंस के मन में थोड़ा सा डर बैठेगा, विश्वास होगा कि ये बंदा कुछ अच्छा मेरे को सिखाएगा, वीडियो में बने रहेंगे वो। उसके बाद क्या करना है आपको बताना है कि इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, एंड गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में, उसकी बर्थ करोड़ों में होगी। क्योंकि अगर आप सुबह डेली 4 बजे उठने लगे, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस तरीके से आपको मस्त स्क्रिप्ट तैयार करनी है अपने टॉपिक के अनुसार। उसके बाद आप जो भी बताना चाहें मेन कंटेंट में वो आप बता सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप स्टोरी टेलिंग करें अपनी वीडियो में। एक बच्चा था, सुबह जा रहा था, अंधेरा था, अचानक से एक आवाज़ आती है, बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, समझ रहे हो। इस तरीके से एक स्टोरी टेलिंग टाइप कंटेंट आपको बनाना है, ठीक है। आप जो वॉइस रिकॉर्ड करेंगे उसकी टोन आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। इट जस्ट लाइक अगर कोई डर वाला माहौल है तो थोड़ा कम एनर्जी से बोलोगे, अचानक वो लड़का चलाता है तो वहाँ पर हाई लेवल टोन यूज़ की है ना। तो ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट सारी चीज़ समझते हैं, ठीक है, तो वो भी आप थोड़ा सा सीख लें तो सही रहेगा, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को कोई सिंबल बताएं ये वो लोग नहीं सुनते हैं, समझ में नहीं आता। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है। स्टोरी टेलिंग करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि लाखों रुपये चार्ज करते हैं, तो स्टोरी टेलिंग सीखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी स्टार्टिंग हो गई, यहाँ तक ऑडियंस टिकी रही, आपने पूरी चीज़ बता दी। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉल टू एक्शन ऐड करना है। ठीक से आप बोल सकते हैं अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा मेरे को, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पर ऑडियंस आपको क्यों फॉलो करेगी, आपने कुछ वैल्यू ऐड की उनकी लाइफ में, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे वो आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। क्या कर सकते हैं, जैसे आपने वीडियो में बताया कि सुबह 4 बजे कैसे उठा जाए, तो आप ऐसे वीडियो में बोल सकते हैं कॉल टू एक्शन करके, दोस्तों आप रोज़ सुबह 4 बजे उठेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और मेरे साथ अपनी पिक जरूर शेयर करेंगे जब आप सुबह 4 बजे उठेंगे कि आपने प्रोडक्टिव काम किया सुबह 4 बजे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करेंगे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, एंड मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो ऐसे आप करेंगे ना तो वो आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे, ट्विटर पर भी करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, और बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी और भी वीडियो आपने बना रखी हो अपने चैनल पर, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी आप अपनी वीडियो के एंडिंग में बता सकते हैं। इट जस्ट लाइक सुबह 4 बजे कैसे उठे हैं, मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया, कॉल टू एक्शन कंप्लीट हो गया, ऑडियंस लास्ट तक देखी। अब लास्ट में हमें क्या करना है, दूसरी वीडियो भी प्रमोट करनी है, जो ऑडियंस उस वीडियो पाए दूसरी वीडियो भी देखे हमारी। क्या कर सकते हैं,
दोस्तों अब आप सुबह 4 बजे तो उठ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, हम कैसे सही तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत देखिएगा, क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठ गए लेकिन सुबह 4 बजे उठ के अगर आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे तो इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इससे क्या होगा, जितनी भी ऑडियंस आपकी वो वाली वीडियो देखेगी सुबह 4 बजे कैसे उठें, उसके बाद दूसरी वीडियो पर भी जाएगी जिसमें आपने बताया कि प्रोडक्टिव काम कैसे करें सुबह 4 बजे उठ के। तो ये होती है हमारी एक प्रोफेशनल लेवल की स्क्रिप्ट, ठीक है। शुरुआत में कुछ ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है क्या, ऑडियंस कहेगी होती है बॉस, फिर आप बताओ उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, फाइनेंशियल बता दो, 1 रुपए का आपका लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी खराब हो रही है, ये वो बता दो, उसके बाद बताओ कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं आज की इस वीडियो में जिसकी कीमत अनलिमिटेड है, करोड़ों में कीमत है जिसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल लेवल की स्क्रिप्ट अपनी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लिख सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, एंड मेरे को अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं बहुत हेल्पफुल कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।